पूजा ने तो आज कुर्ता सिल दिया है और आज पार्टी करानी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ बुटीक पे। आज थोड़ा लेट हो गई बुटीक में आने में, तो अभी और भी नहीं आ रखे हैं, सब आ जाएंगे तो उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। तो मैं थोड़ी देर में कटिंग वगैरह करती हूँ। तो चलिए फिर आज का दिन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आज हम आपको सिखाएंगे पेटीकोट की कटिंग। तो आज हमारे पास वैसे काम बहुत है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है कुछ आपको अलग से सिखाएं, तो और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। तो आज हम सिर्फ आपको सिंपल पेटीकोट की कटिंग सिखाएंगे। तो जब आ जाएंगी लड़कियाँ तो तब सिखाएंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। क्या? तो ये संगीता, संगीता क्या सिल रहे हो? सिलो फिर। और ये है पूजा, पूजा ने तो आज कुर्ता सिल दिया है और आज पार्टी करानी है। ठीक है फिर, आज पार्टी हो जाएगी दोस्तों। आज ये बोली पार्टी करनी है तो नहीं खिलाया आज। नहीं नहीं, पक्का है, आज तो खिलाना ही पड़ेगा फिर। ठीक है फिर, अब क्या कर रहे हो तुम? कुर्ता सिला, अब तुरपन कर। ठीक है फिर, बढ़िया। म्यूजिक भी चला रहे तुम बीच बीच में, म्यूजिक अभी बंद कर दो। ठीक है, और ये है सोनी, सोनी कर रही है, फॉल लगा रही है सोनी। सोनी फॉल लगा दिया, वही तो। और ये आ गई है अपनी पिंकी, पिंकी पिंकी बोलो, प्रिया बोलो, ये बहुत सारे नाम वाली। तुम क्या सिल रहे हो? पैंट सिल रहे हो? पैंट प्लाजो, पैंट प्लाजो मेरा पिंक प्लाजो। ठीक है फिर, तो दोस्तों आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ स्टैंड में। फोन को मैंने स्टैंड में लगाया है और इससे कर रही हूँ वीडियो बना रही हूँ पूरा। मैंने कहा आज मैं ऐसे बना के लाई तो बहुत दिन पहले हूँ, पर बना आज ही रही हूँ। मैंने कहा एक बार इससे भी ट्राई किया जाए। गर्मी है। तो लगाओ, लंबाई कितनी है? 40 लंबाई है ना, तो जो कटिंग की साइड है उधर की साइड से लो नाप, और कपड़ा बचेगा बंद की साइड, नीचे को लाओ 40 इंच। हाँ, कभी भी किसी भी कपड़े में अगर कपड़ा बचाना है तो बंद साइड से बचाते हैं, खुले साइड से नहीं। खुले साइड, हाँ खुले साइड से बचाएंगे तो डबल कपड़ा बचेगा, और कटिंग साइड से बचाओगे तो दो पट्टियां बन जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करो, मैं तुम्हें बताती हूँ। 40 इसलिए बोल रही हूँ, हम ऊपर 1.5 इंच की पट्टी डालेंगे और जो 1.5 इंच नीचे हम फोल्ड करेंगे वो उसमें लेस हो जाएगा, और यहाँ हम 2 इंच की पट्टी डालेंगे। 40 इंच कर दिया, अभी 40 इंच का निशान पूरा लो यहाँ तक। तो ये 40 इंच का निशान लगा लिया, अभी इसे बराबर निशान कर दीजिए। इस तरह से, अच्छा वो बंद साइड बन, हम वो बनाएंगे ऊपर, ये बनेगी पट्टी कमर बेल्ट। ठीक है, अब तो तो 10 इंच उधर रखो, 10 उधर रखो, अरे ऐसे नहीं, ऐसे में, हाँ 10 इंच इधर को रखो और 10 इंच इस वाले इसके आप बोची, हाँ 10 इधर 10 इधर। अगर कोई मोटा हो, थोड़ा मोटा हो तो उसके लिए 11-12 कर सकते हो। लास्ट यही, इससे ज्यादा, हाँ हाँ ये मिला देना। क्या दीदी ऊपर का पार्ट है? हाँ, ये एक सीधा और एक और एक जुड़ता है। ठीक है, अब इसे कटिंग कर दो। अच्छा, एक पार्ट ही बचेगा, ये इधर जाएगा तब नीचे आएगा, हाँ तो ऐसे नहीं आएगा, एक सीधा और एक आड़ा पल्ला जुड़ता है। सीधा, हाँ सीधा कौन है? सीधा उधर की साइड है, इधर की साइड है, और आड़ा है तिर बीच वाला। पहले ऊपर लगा दोगे ना? पहले इसको सीधा काट,
हाँ एक आड़ा एक सीधा वाह एक ऐसा अब एक पल्ला ऐसा रखा अब इस पल्ले को इधर को फोल्ड करो हाँ ऐसे हाँ हाँ वो उसके साथ सिलेगा ये इसके साथ अच्छा ऐसे हाँ यहाँ से सिलेगा ये यहाँ से सिलेगा वो वहाँ से सिलेगा फिर बीच वाले पल्ले उधर से सब आड़े सिलेंगे ठीक है ऐसे हाँ ये छोटा ब्रश है एक आड़ा और एक सीधा पल्ला जुड़ता है बस बड़ा होगा तो बड़ा होगा उसकी कटिंग तब होती है बाद में होती है उसकी कटिंग हाँ लास्ट में जब ये सब जुड़ जाते हैं तो ये कट गया बहुत ही सिंपल है वो है 5 इंच चौड़ाई है इसको देख से 40 cc कमर है कितनी होगी 32 है ना तो बाकी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसमें बना देनी प्लेट और 32 इंच के हिसाब से बेल्ट रखनी ठीक है कपड़े पे बनानी प्लेट की बेल्ट में नहीं बनती है कपड़े पे बनती है प्लेट इसको नापो कितनी है इसकी लंबाई अब 32 कमर है तो 32 ही नहीं रखी जाएगी ना 35 है ना तो थोड़ा बहुत ढीली होनी चाहिए सही है ये कमर ये दोनों तरफ आएगी ना हाँ ये पूरा आ जाएगा हाँ तो 35.5 इंच हमारी इसकी लंबाई है और चौड़ाई हमने इसकी 5 रखी है जो कि सिलने के बाद 2.5 हो जाएगी है ना 2.5 या 2 हो जाएगी यहाँ पेटीकोट चारों तरफ से सिल गया है एक सीधा और एक ओरेम में अब इसके नीचे की कटिंग होगी आपको इसके नीचे की कटिंग बताते हैं इसके नीचे की कटिंग हो रही देख लो इस तरह गोलाई इसको इस तरह से गोलाई करके दोस्तों सारा काम मेरा हो चुका है और अब मेरे को थोड़ा बहुत अपने कपड़े वगैरह जो प्रेस वगैरह करनी है तो अभी मैं प्रेस वगैरह करती हूँ अपनी इंटरलॉक भी रह रखी है अभी एक दो ड्रेस रह रखा है एक को निपटाती हूँ तब तक एक छूट जाता है तब दिखता है भी याद आता है कि अरे इसको भी तो करना था तो चलिए दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर